प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम रेलवे की परीक्षा में 2001 में आ चुकी है। आज की प्रॉब्लम है, यदि किसी अर्धवृत्त का परमाप 36 सेंटीमीटर है हो तो इसका क्षेत्रफल कितना है। तो पहली बात तो आपको यह समझ लेना चाहिए, यहाँ पर इसका शब्द जो है वह अर्धवृत्त को संबोधित कर रहा है, वृत्त को संबोधित नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमारे लिए अर्धवृत्त की बात कह रहा है, अर्धवृत्त का परिमाप दे रहा है और यहाँ पर कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका माने अर्धवृत्त का। तो आपको जो आंकड़े दिए हुए हैं उनकी सहायता से आपको इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। दिया है अर्धवृत्त का परिमाप बराबर 36 सेंटीमीटर, ये तो आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है। अब यदि वृत्त की त्रिज्या को हम आर मान ले या अर्धवृत्त की त्रिज्या को आर मान ले, जितनी त्रिज्या वृत्त की होगी उतनी ही त्रिज्या अर्धवृत्त की होगी। तो यदि वृत्त की त्रिज्या या अर्धवृत्त की त्रिज्या आर है तो उसका परिमाप बराबर होता है पाई आर प्लस टू आर। तो यह हमें क्षेत्रफल प्राप्त होगा पाई आर प्लस टू आर बराबर 36, और पाई का मान जो है वह 22/7 के बराबर होता है। तो इस पाई के स्थान पर तो हम लिख देंगे 22/7 और इस 2 के स्थान पर 2 लिख देंगे, प्लस यहां पर आ जाएगा ये, और ये r कॉमन में चला जाएगा। मतलब पहले हमने इन दोनों में से r कॉमन ले लिया और 22/7 पाई की जगह लिख दिया और प्लस का चिन्ह ये लगा दिया, 2 ये लगा दिया। तो हमें प्राप्त होता है फल ब्रैकेट 22/7 प्लस 2 ब्रैकेट बंद r बराबर 36। इस प्रकार से ये हमें फल प्राप्त हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 22/7 प्लस 2 को, तो इसका मतलब ये है 22/7 प्लस 1 दो भिन्न है। इन दो भिन्नों को जोड़ने के लिए हमें हर का एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो फल प्राप्त होगा 36/7। तो इसका फल प्राप्त हो गया एल एन एस में 36/7 इंटू आर बराबर 36। अब इसका आर का मान निकालना है, तो इसका आर का मान ज्ञात होगा, आर बराबर हो जाएगा 36, तो वैसे के वैसे लिखे रहेंगे और ये राशि जो है वो हर में जाएगी आर एच एस की, तो ये पलट जाएगी जो कि भिन्न है। तो हमें फल प्राप्त होगा आर बराबर 36/7/36। इस 36 से 36 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें प्राप्त होता है अर्धवृत्त त्रिज्या कहिए आप या वृत्त त्रिज्या कहिए, आर का मान 7 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने दिए गए आंकड़ों की सहायता से ये मालूम कर लिया कि जिस अर्धवृत्त की बात हो रही है उस अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और अर्ध वाले आधा, तो इसका आप आधा कर देंगे तभी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई के स्थान पर आप 22/2 लगा दीजिए और आर का मान 7 निकल के आया है, तो यहां पर कर दीजिए 7 की घातांक 2। इस 2 से इस 22 को काटेंगे तो 11 प्राप्त हो जाएंगे, तो आपको फल प्राप्त होता है 11/7। ये तो ये आ गया आपको फल, और 7 की घातांक 2 का मतलब यह है कि 7 × 7, तो यहां पर लिखेंगे 7 × 7, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएंगे और फल आपको मिलेगा 11/7, और 11 और 7 की जब गुणा करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा 77। और चूंकि क्षेत्रफल जो है वर्ग में लिखा जाता है और ये बात हो रही है सेंटीमीटर में, इसलिए इसका क्षेत्रफल आएगा 77 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब यह है कि जिस अर्धवृत्त की बात हो रही है, जिस अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है, उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो है वह 77 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। आप इसको पढ़िए, समझिए क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, उसकी सहायता से फिर सूत्रों की सहायता से इस प्रश्न को प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे। आज का प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार।